मसला कश्मीर पर बात करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के शुमाल में बरसगीर की रियासतों में सबसे बड़ी रियासत है। इस रियासत की जो सरहदें हैं वो चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी 40 लाख के करीब थी। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल था और बरतानवी हुकूमत ने इस रियासत को एक डोगरा राजा गुलाब सिंह के पास सिर्फ 75 लाख में फरोख्त कर दिया था। डोगरा राजा गुलाब सिंह जो था, इसके जानशीनों ने अपनी मुस्लिम रया पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े और मामूली जरायम की बर्दाश्त में मुसलमानों को कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाती। तंग आकर 1930 में कश्मीरी मुसलमानों ने डोगरा राजा के खिलाफ आजादी की तहरीक शुरू की। बरतानवी हुकूमत की मदद से राजा ने अवामी तहरीक को सख्ती से कुचल डाला। रियासत जम्मू कश्मीर जुग्राफियाई, सकाफती और मजहबी एतबार से पाकिस्तान से बहुत करीब रही। पाकिस्तान को सैलाब करने वाले अक्सर दरिया कश्मीर से निकलते हैं। 1947 में कश्मीरी अवाम चाहते थे कि राजा पाकिस्तान से इलाहाब का फैसला करे, लेकिन राजा इस पर आमादा ना हुआ। अवाम ने महसूस किया कि राजा इनके जज्बों के मुताबिक इलाहाब करना नहीं चाहता, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर दी। राजा ने सख्ती से काम लिया और लाखों अफराद तर्के वतन पर मजबूर हुए। 2.25 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए। तहरीक दबाई ना जा सकी और राजा ने भारतीय हुकूमत से मदद की दरख्वास्त भी कर दी। भारत ने अपनी अपनी अफवाज जो है वो रियासत में उतार दी और साथ ही दबाव डाला कि राजा भारत के साथ रियासत के इलाहाब की दस्तावेजात पर दस्तखत करते। राजा ऐसा करने से गुरेज करता रहा। भारतीय हुकूमत ने एक जाली दस्तावेज तैयार की और ऐलान कर दिया कि राजा ने रियासत को भारत में शामिल करने की दरख्वास्त की है, जिसे भारतीय हुकूमत ने मान लिया है। कश्मीरी अवाम राजा के खिलाफ तहरीक चला रहे थे और अब उन्होंने बाकायदा हथियार उठा लिए। सबका कश्मीरी फौजी जंगे आजादी में मुसलमानों की क्यादत करने लगे। अब रजाकारों के जत्थे आजादी के लिए भारतीय अफवाज और राजा के दस्तों के खिलाफ जिहाद में शामिल हुए। तो देखते ही देखते बहुत सा इलाका राजा के कब्जे से निकल गया। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की पूरी पूरी इखलाकी और माली इमदाद तहरीक आजादी कश्मीर को हासिल हुई, तो आजादी के लिए लड़ने वालों का पल्ला भारी होने लगा। भारत ने हालात का रुख देखा तो अक्वामे मुत्तहिदा का दरवाजा जा खटखटाया। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 2 करारदादें मंजूर की और दोनों ममालिक को जंग बंद करने की तलकीन की। हदबंदी किए जाने का फैसला भी किया और अक्वामे मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कश्मीरी आवाम की राय मालूम की जाएगी, उनकी मर्जी के मुताबिक कश्मीर का इलहाक भारत या पाकिस्तान से हो जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपनी बरतर फौजी पोजिशन के बावजूद करारदादों का एहतराम करते हुए जंगबंदी पर आमादगी का इजहार किया और इस्तिस्वाब राय कराने का ऐलान तो अक्वामी मुत्तहिदा ने कर दिया, लेकिन मसला को हल करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। 1965 और 1971 में 2 जंगें हुई, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। पिछले 15 सालों से कश्मीरी मुजाहिदीन हथियार उठाए आजादी के लिए लड़ रहे हैं और मसला कश्मीर अक्वामी मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है, लेकिन वो कोई मौसर कदम उठाने से कासिर है।